शहर खास इलाके में हम मौजूद हैं और यह खबकदल ब्रिज जिसे श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसकी तजनीन आरइश की जा रही है और बताया जा रहा है कि इस पुल को भी जीरो ब्रिज की तर्ज पर सजाया जाएगा और लोगों के लिए वक्फ किया जाएगा। खबकदल ब्रिज की तारीख के ताल्लुक से बात करें तो बताया जाता है कि 1551 में शाहमीर डायनेस्टी के दौरान इसकी तामीर अमल में लाई गई थी और शहर श्रीनगर जो 7 पुलों का शहर था उसमें जो दूसरा पुल सबसे पुराना था वो यही खबकदल पुल हुआ करता था। 1551 में सुल्तान हबीब शाह की जानिब से इस पुल को बनाया गया और काफी अरसे तक यह पुल हबीब कदल के नाम से जाना और पहचाना जाने लगा। वक्त के साथ साथ लोगों ने भी इसे उर्फ़े आम में हबीब कदल ही कहना शुरू कर दिया। हालांकि जब अफगान दौर आया तो अफगान दौर में भी इस पुल को हबीब कदल के नाम से ही जाना और पहचाना जाने लगा। वक्त गुजरता रहा और इस गुजरते वक्त के साथ साथ 1893 का वो दौर भी आया जब कश्मीर सैलाब की चपेट में आ गया, खासकर शहर श्रीनगर। 1893 के दौरान आए उस सैलाब की वजह से ये पुल काफ़ी खस्ताहाली का शिकार हो गया, जिसके बाद डोगरा हुकूमत चूंकि उस वक्त कश्मीर में आ चुकी थी और डोगरा ने इस पुल को दोबारा मरम्मत कर आवाम के नाम वक्फ करने का बेड़ा उठाया और 1898 में इस पुल को दोबारा मरम्मत करने के बाद आवाम के नाम वक्फ कर दिया गया और तब से इस पुल को खबकदल के नाम से ही जाना और पहचाना जाने लगा। खबकदल चूंकि तारीखी मुकाम है और वादी कश्मीर में जब पहली मिनी बस सर्विस शुरू हुई तो उसका अड्डा भी इसी खबकदल में रखा गया था और चूंकि टांगा सवारी हुआ करती थी तो उस वक्त भी यहीं से चलते रहे। वक्त का पहिया यूं ही चलता रहा और साल 2001 आया जब हुकाम को ये लगा कि यहाँ पर यह पुल जो बनाया गया है ये काफ़ी खस्ता हो चुका है और अब इस पर बड़ी गाड़ियों का ज़्यादा सफ़र करना लोगों के लिए वबाले जान बन सकता है और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकाम ने इसके बिल्कुल मुतसल में एक और आरसीसी ब्रिज का क़याम अमल में लाने का बेड़ा उठाया और उस पर काम शद्दत से शुरू हुआ और काफ़ी मेहनत के बाद इस पुल के बिल्कुल साथ ही दूसरा पुल बनाया गया जो खबकदल न्यू ब्रिज के तौर पर जाना और पहचाना जाने लगा। और उस वक्त हुकूमत की पॉलिसी के तहत कि शहर ख़ास की जितने भी पुराने तर्ज़ तामीर हैं उन्हें हेरिटेज साइट्स करार दिया जाए और उनकी प्रिजर्वेशन की जाए। 2013 में इस खबकदल ब्रिज को भी उसी ज़ुमरे में रखा गया और इसे बाज़ाबिता इसकी दोबारा से तजनीन आरइश की गई ताकि ये एक हेरिटेज साइट के तौर पर इस पुराने शहर में उसी तरह से मौजूद रहे और 2015 में इस पुल को आवाम के नाम वक्फ कर दिया गया। उसके बाद अब श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जहां तारीखी लाल चौक की तजनीन आरइश के बाद उसे आवाम के नाम वक्फ किया गया तो उसके साथ ही श्रीनगर शहर का जो पुराना शहर है शहर खास में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो धरे दस्त लिए गए हैं और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के CEO अथरामिर ने साफ तौर पर कहा है कि इन सारे प्रोजेक्ट्स पर शदोमत से काम जारी है और बहुत क्लील से वक्त में आने वाले दिनों में इन प्रोजेक्ट्स को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा और उन्हीं प्रोजेक्ट का एक हिस्सा खबकदल का ये ब्रिज जिसे ज़ीरो ब्रिज की तर्ज पर तजनीन आरइश जिसकी की जा रही है और बहुत जल्द इसे आवाम के नाम वक्फ कर दिया जाएगा। जहाँ पे भी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सभी पे फुल फ्लेज्ड काफ़ी फास्ट पेस में काम चल रहा है हमारा, क्योंकि विंटर में एक थोड़ा सा ठंड का माहौल इस तरीके से रहता है कि आपके वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं, बट डिस्पाइट दैट किसी भी साइट पे काम कम नहीं है। जिस हेरिटेज ब्रिज खबकदल की आपने बात की वहाँ का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर आप इस समय देखेंगे उसके दोनों जो रिवर के दोनों साइड जो गार्ड्स हैं उन पे भी इस समय हम लोगों ने काम शुरू किया है। वहाँ का डिब्री का काम रिमूवल का काम चल रहा है। ओल्ड सिटी में ऑफकोर्स हमारा पार्किंग इज अ बिग इशू, तो हम वो भी इसको एक्सप्लोर करते हैं जहाँ जहाँ पे भी पॉसिबल होता है पार्किंग का, कोई भी जगह अवेलेबल होती है जिसको यूज़ किया जा सकता है, जिसको प्लान किया जा सकता है, दैट वी आर ऑलवेज ऑन लुकआउट। तो नाज़रीन आपने देखा CEO अथर आमिर का साफ तौर पर यही कहना था कि लोगों की अगर जानिब से अगर कोई भी शिकायत या कोई भी उनकी जानिब से गुजारिशात की जा रही हैं तो उन्हें संजीदगी से लिया जाएगा और कोशिश ये की जा रही है कि इस खबकदल ब्रिज को बाज़ाबिता तौर पर ज़ीरो ब्रिज की तर्ज पर इसकी तजनीन आरइश कर आवाम के नाम वक्फ कर दिया जाए ताकि यह हमारी हेरिटेज साइट आने वाली नस्लों के लिए कायम व दायम रह सके। कैमरामैन यसरब खान के साथ दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से मैं जुबैर कुरैशी।